ज्योतिष आचार्य जी, कई लोग जब घर बनाते हैं और घर बना के उस घरों में वो रहने लगते हैं तो कई अनहोनी घटनाएं घटने लगती है और कई चीज़ें होने लगती हैं, तो क्या ये वास्तु दोष के संकेत होते हैं और किन चीज़ों से ये पता लगाया जा सकता है कि उनके घर में वास्तु दोष है या नहीं? हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। घर में जब घर बनता है तो वास्तु की विशेष पूजा की जाती है और उसका जगह निर्धारित रहता है, किस जगह हमको लैट्रिन बनाना है, किस जगह किचन बनाना है, किस जगह बेडरूम बनाना है। उसमें गड़बड़ी हो जाने से, इधर उधर हो जाने से, सबसे बड़ी बात है कि घर में लोग सीढ़ी जगह पर नहीं बनाते हैं, जिसके चलते, विशेष रूप से सीढ़ी के चलते वास्तु दोष हो जाता है। तो वास्तु दोष यदि आपके घर में है तो उसका लक्षण हम आपको बता रहे हैं। लक्षण यदि उस तरह का हो रहा है तो समझ जाइए आपके घर में वास्तु दोष है। जैसे आर्थिक नुकसान ज़्यादा हो रहा हो, आपका कमाई से ज़्यादा खर्च हो रहा हो, आपके घर में रुपये पैसे धन रुक नहीं रहा हो और आपसी मतभेद सब भाई में हो, घर में हो, परिवार में हो, यदि आपसी मतभेद ज़्यादा हो रहा हो तो समझ जाइए कि आपके घर में वास्तु दोष है। और बार बार स्वास्थ्य बिगड़ जाना, डॉक्टर का चक्कर लग जाना या वकील का चक्कर लगना, ये भी वास्तु दोष होता है। तो आप कमा तो रहे हैं लेकिन आप सही कामों में अपना धन का अपव्यय नहीं कर सकते हैं, धन का खर्च नहीं कर सकते हैं, वह आपका डॉक्टरी में चला जा रहा है। और आप देखिएगा कि घर का मुख्य द्वार यदि दक्षिण तरफ हो तो भी वास्तु दोष का संकेत करता है। इसलिए घर के दक्षिण तरफ दरवाजा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये वास्तु दोष के संकेत हैं। ये सब यदि आपके घर में हो रहा हो तो आपको निश्चित रूप से वास्तु का दोष है। अब उपाय क्या करना चाहिए? इसका उपाय के लिए आप घर में वास्तु की शांति कराएं। यदि आपका गलत जगह पर सीढ़ी हो गया हो या बाथरूम हो गया हो या किचन हो गया हो तो उसके लिए आप चांदी के वास्तु को प्रतिष्ठा करके आप ईशान कोण या भंडार कोण में उसको स्थापित करें, प्रतिष्ठा करें। और घर में वास्तु, कम से कम वास्तु के मंत्र का 1 लाख जाप करवा दें, आपके घर में शांति रहेगी। और यदि आपका दक्षिण दरवाजा है तो उसको कोशिश करें बंद कर दें। और विशेष रूप से आप अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। यदि आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। गाय को चारा दें और अतिथि की सेवा करें तो आपका वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा।